Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Students, आज हम chapter number 3 biochemistry and biotechnology का second lecture start करते हैं, blood and its functions. So what is blood? Blood is a very complex fluid. It consists of a liquid blood plasma in which blood cells are suspended. Students, blood क्या होता है? Blood एक complex fluid है जिसमें blood plasma और blood cells होते हैं. तो हमारी बॉडी में ब्लड का क्या रोल है? अगर हम इसका रोल देखें इन बॉडी, तो क्या है कि ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट ब्रिंग्स बैक द यूजलेस प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इनटू किडनीज एंड लिवर. ठीक, तो ये दो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक तो डाइजेस्टिव फूड और ऑक्सीजन को तमाम बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो यूजलेस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये दोबारा सेम किडनी और लिवर में लेकर आता है. ठीक, तो हमने बात की कि ब्लड में ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं. तो कौन कौन से ब्लड सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं ब्लड में? रेड ब्लड सेल, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, लीकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोट इन द प्लाज्मा. ठीक, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं, तो ब्लड सेल्स जो हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं. रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम लीकोसाइट्स भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स जो हैं वो प्लाज्मा में फ्लोट कर रहे होते हैं. द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मा. इफ़ वी रिमूव ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन फाइब्रिनोजन, यानी ये ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है, ये उनको जमाती है, फ्रॉम प्लाज्मा दैन द रिमेनिंग फ्लूइड इज कॉल्ड सीरम. स्टूडेंट्स, क्या होता है कि क्योंकि ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं, तो ब्लड सेल्स को निकाल दें तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा. और इसी तरह अगर हम प्लाज्मा से ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन को निकाल दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग फ्लूइड होगा उसको हम सीरम कहते हैं. तो अगर हम इन तीनों ब्लड सेल्स की रोल की बात करें, द ब्लड सेल्स आर हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, व्हाइट ब्लड सेल्स कंट्रोल बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग. तो इन तीनों ब्लड सेल्स का क्या रोल है कि रेड ब्लड सेल जो है वो गैसेस की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, और प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड क्लोटिंग में, खून को जमाने में हेल्प करते हैं. स्टूडेंट्स, आप फिगर 3.1 में ब्लड सेल्स देख सकते हैं. यहाँ पर आपको रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स दिखाए गए हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स. स्टूडेंट्स, बज़ाहिर तो हमें हर शख्स का ब्लड एक जैसा ही नज़र आता है, यानी रेड नज़र आता है, लेकिन केमिकली हर शख्स का ब्लड डिफरेंट टाइप्स का होता है. लैंड स्टाइनर इन 1902 डिवाइडेड ह्यूमन पॉपुलेशन इन फोर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स. लैंड स्टाइनर ने 1902 में ह्यूमन पॉपुलेशन को फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड ग्रुप्स. तो वो ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हैं? द ह्यूमन पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू ए बी एंड ओ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज एंड इज कॉल्ड ए बी ओ सिस्टम ऑफ ब्लड. स्टूडेंट्स, ए बी ओ ब्लड सिस्टम क्या है? जिसमें ब्लड को ए बी और ओ ग्रुप में डिवाइड किया गया है एंटीजन और एंटीबॉडी की बेस पर. एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीजन और एंटीबॉडीज मोस्टली प्रोटीन्स की बनी होती हैं. ठीक, एंटीजन जो है वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, और एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं. स्टूडेंट्स, किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप हम किस तरह से बताते हैं कि अगर हम एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की बेस पे? ठीक, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स पर एंटीजन और एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, तो किसी भी इंडिविजुअल के रेड ब्लड सेल्स पर जो एंटीबॉडी या एंटीजन्स होगी हम उसके बेस पर ही उसका ब्लड ग्रुप रखते हैं. जैसे कि आप टेबल 3.1 में देख सकते हैं, आपको ब्लड ग्रुप्स दिखाए गए हैं और RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स पर एंटीजन और इसके अलावा एंटीबॉडीज़ जो कि प्लाज्मा में मौजूद होती हैं, और ये किसको डोनेट कर सकते हैं और रिसिपिएंट यानी किससे रिसीव कर सकते हैं. तो हम देखते हैं वन बाय वन सभी ब्लड ग्रुप्स का. अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए हो तो इसका मतलब क्या है कि उस पर एंटीजन ए मौजूद है. ठीक, और इसकी एंटीबॉडीज जो है वो बी मौजूद है, और वो किसको डोनेट कर सकता है?
कोई भी इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ए हो या फिर ओ हो और वो रिसीव किससे कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ए हो या ए बी हो। अगर हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप बी हो, तो उसका मतलब क्या है कि उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उस पर एंटीजन बी मौजूद है और एंटीबॉडी ए मौजूद है। इसी तरह वो शख्स जो है वो या तो कोई भी इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको डोनेट कर सकता है या फिर इसके अलावा ओ को कर सकता है और वो रिसीव किससे कर सकता है, बी से या फिर कोई भी इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो उससे रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप ए बी। तो अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब है कि उसके आरबीसीज पर एंटीजन ए बी मौजूद है और कोई भी उसकी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती, तो वो किसको डोनेट कर सकता है, क्योंकि अब इस पर दोनों ही एंटीजन मौजूद हैं, इस वजह से वो ए को भी डोनेट कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है और ओ को भी कर सकता है। और इसके अलावा वो रिसीव जो है सिर्फ ए बी से ही कर सकता है। ब्लड ग्रुप ओ जो इंडिविजुअल है उसके आर बी सीज पर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होती, लेकिन उसकी एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही मौजूद होती हैं, तो ऐसा जो इंडिविजुअल है वो सिर्फ ओ को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन वो रिसीव ए से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है और ओ से भी कर सकता है। स्टूडेंट्स अगर हम इस टेबल में देखें तो हमने क्या देखा कि ऐसा इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ओ था वो सभी को यानी हर ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, इस वजह से हम ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और ए बी जो है वो सभी से रिसीव कर सकता है, इस वजह से हम ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। तो इस तरह से हम ब्लड ग्रुप को फोर ग्रुप्स में यानी ए बी और ओ में डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि एक इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो अपना ब्लड जो है वो बी को क्यों नहीं दे सकता, इसकी क्या रीज़न है कि अगर ए वाला इंडिविजुअल जो है वो अपना ब्लड जो है वो बी को देगा तो क्या होगा कि उसके क्योंकि बी पे जो एंटीबॉडी ए मौजूद है, और एंटीबॉडी मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, मतलब कि वो इसके खिलाफ जो है वो इस एंटीजन के खिलाफ लड़ेगी, तो अगर हम ए ब्लड ग्रुप यानी जो ए है क्योंकि उसके एंटीजन ए मौजूद है तो अगर हम उसको ये डोनेट कर दें तो ये एंटीबॉडी ए जो है वो इससे लड़ेगी, इससे फाइट करेगी, जिस तरह जिससे क्या होगा कि वो इंडिविजुअल जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस वजह से हम किसी भी इंडिविजुअल को कोई दूसरा जो है जब भी हमने उसको ब्लड उसको चाहिए होता है तो हम उसका ब्लड टेस्ट करते हैं, और अगर वो ब्लड उससे मैच कर रहा हो तो तभी हम उसको ब्लड लगाते हैं, इसके अलावा हम उसको किसी दूसरे इंडिविजुअल का किसी दूसरे ब्लड ग्रुप को हम नहीं लगा सकते। तो स्टूडेंट्स ए बी ओ ब्लड सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम भी है जिसको हम आर एच सिस्टम कहते हैं, और आर एच सिस्टम जो है वो क्या होता है, देर इज़ द सेकेंड ब्लड ग्रुप सिस्टम कॉल्ड आर एच सिस्टम एंड इट इज़ बेस्ड ऑन एन अदर रेड ब्लड सेल्स एंटीजन कॉल्ड आर एच फैक्टर। ठीक, क्योंकि हम मैंने अभी आपको बताया था कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उन पर एंटीजन मौजूद होती है, तो एंटीजन के अलावा उस पर एक और भी फैक्टर होता है जिसे हम आर एच फैक्टर कहते हैं, एक और एंटीजन होती है जिसे आर एच फैक्टर कहते हैं, और इसकी बेस पर ही हम एक और सिस्टम जो है वो भी बनाते हैं जिसे हम आर एच सिस्टम कहते हैं। टेबल 3.2 में देखें आर एच फैक्टर सिस्टम, इसमें क्या होता है कि हम आर एच की बेस पर यानी किसी भी इंडिविजुअल में या तो वो आर एच पॉजिटिव होता है या आर एच नेगेटिव होता है, यानी आर एच फैक्टर या उसमें मौजूद होता है या फिर नहीं होता। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसमें आर एच पॉजिटिव है, मतलब जिसमें आर एच फैक्टर मौजूद है, तो उसमें क्या होता है कि उसके आर बी सीज पर एंटीजन ई आर एच पॉजिटिव मौजूद होती है, और इसके अलावा उसमें एंटीबॉडीज भी होती हैं, ई आर एच पॉजिटिव उसमें एंटीबॉडी भी होती है, और उसका जो मैचिंग रिसिपियंट है मीन्स वो किससे ब्लड ले सकता है, वो आर एच पॉजिटिव से भी ले सकता है और आर एच नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है। ऐसा इंडिविजुअल जिसमें आर एच फैक्टर मौजूद है यानी वो आर एच पॉजिटिव है, तो वो सिर्फ आर एच पॉजिटिव को ही अपना ब्लड
डोनेट कर सकता है, आर एच नेगेटिव को नहीं कर सकता। तो सेकंड जो इसकी टाइप है वो है आर एच नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि उसके आर बी सीज पर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, मतलब आर एच फैक्टर मौजूद नहीं है और ना ही उसके कोई एंटीबॉडी मौजूद है। तो ऐसा इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ आर एच नेगेटिव से ही ब्लड रिसीव कर सकता है, आर एच पॉजिटिव से नहीं कर सकता। लेकिन वो अपना ब्लड जो है वो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव दोनों को ही डोनेट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है वो हम दो बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं, एक तो हम ए बी ओ ब्लड सिस्टम की बेस पर और दूसरा आर एच फैक्टर के बेस पर। तो इसी तरह हम किसी भी इंडिविजुअल का अगर ब्लड ग्रुप देखें तो वो या ए पॉजिटिव होता है या ए नेगेटिव होता है, या बी पॉजिटिव होता है बी नेगेटिव होता है, इसी तरह ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। तो ये हम किस बेस पे करते हैं, एक तो हम उस पे जो एंटीजन यानी आर बी सीज पे जो एंटीजन मौजूद होती है उस बेस पे करते हैं, दूसरा हम उसको आर एच फैक्टर भी देखते हैं। तो अगर आर एच फैक्टर पॉजिटिव होगा, मतलब आर एच फैक्टर मौजूद होगा, तो क्या होगा कि उस इंडिविजुअल का जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसके साथ हम उस आर एच फैक्टर की वजह से हम पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे कि अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है उसमें आर एच फैक्टर बी मौजूद है, तो हम इसका मतलब है कि उसका इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है वो ए नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि उस पे एंटीजन ए मौजूद है लेकिन उस पे आर एच फैक्टर नहीं मौजूद, तो इस वजह से उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होगा। नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए एज हेरिडिटरी। द इंफॉर्मेशन फॉर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ अ पर्सन आर प्रेजेंट इन हिज जीन्स। दीज जीन्स आर मेड अप ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड डीएनए और डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, डीएनए क्या होता है कि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है विद द हेल्प ऑफ जीन्स, ये जो है ये जीन्स जो है वो डीएनए का पार्ट्स होती है। डीएनए को हम डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। हम इसको न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं इसका पार्ट होता है। तो होता क्या है डीएनए के, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहले वॉटसन और क्रिक ने डिस्कवर किया था, और जो कि दो स्ट्रैंड्स का बना होता है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होती हैं और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब आपको ये इस तरह लगेगा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों जो स्ट्रैंड्स होती हैं ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ बेस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। द न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स एंड फॉर्म डबल हेलिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड डीएनए। तो इसमें होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं यानी इसका जो अपराइट पोर्शन है इसमें देखें तो ये फॉस्फेट और इसके अलावा ये राइबोस शुगर का बना होता है, और इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल आपको नजर आ रही है ये नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं जो कि बेस पेयर की फॉर्म में मौजूद होती हैं। ये फोर बेसिस होती हैं, ठीक, ये एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। स्टूडेंट्स में ये बात याद रखिएगा कि हमेशा जो ए है वो हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाती है और जी जो है वो हमेशा सी के साथ बॉन्ड बनाती है, और ए और टी के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के दरमियान हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है डॉटेड लाइन, ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करती है जो इन बेसिस के दरमियान है, और इसकी मदद से ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा कि जो जीन्स हैं वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करती हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलना चाहिए कि जीन्स क्या होती हैं। हर इंसान के डीएनए में यूनिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और ये इन्फॉर्मेशन दोनों पेरेंट्स से मींस हाफ जो है वो फादर से और हाफ मदर से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं। और डीएनए के वो पार्ट जिसमें ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है उसे हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जीन्स होती हैं जो कि ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से लेता है, जैसे कि हाइट, स्किन कलर, आई कलर, इसके अलावा फिटनेस एक्सेट्रा जो हैं, ये तमाम वो कैरेक्टर्स हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। When a DNA molecule produces another molecule like itself, then this process is called DNA replication. यानी जब DNA का एक molecule अपने ही जैसा कोई दूसरा DNA का molecule बना ले तो इसके DNA replication कहते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे डीएनए का
न्यू मॉलिक्यूल, तो इसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है? जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम से डीएनए अनकॉइल हो जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ये अनकॉइल हो गया है। ठीक, तो यानी ये बिल्कुल जिप की तरह, आप जिप एग्जांपल ले लें, जिस तरह से हम जो है वो जिप को खोलते हैं, तो इसी तरह से बिल्कुल जब हम डीएनए की जो स्ट्रैंड है ये अनजिप होते हैं, तो ये दोनों अलहदा अलहदा हो जाते हैं, तो ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो अपना डुप्लीकेट बना लेते हैं। ठीक, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है न्यू न्यूक्लियोटाइड जो चेन है वो बन रही है दोनों स्ट्रैंड से, तो इस तरह से एक नया न्यूक्लियोटाइड जो है वो बन जाएगा और ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो अलहदा हो जाएंगे। इस तरह से क्या हुआ कि एक डीएनए से उसकी एक दूसरी कॉपी बन गई, तो इससे डीएनए जो रेप्लीकेट हो गया, इसको हम डीएनए रेप्लीकेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाए तो उससे क्या होता है कि ये डिजीजेस कॉज करता है, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ और हीमोफीलिया। और अगर हम जीनोम देखें कि जीनोम किसे कहते हैं, ए सेट ऑफ ऑल द जीन्स इन अ सेल इज कॉल्ड जीनोम। इसको अंडरलाइन कर लें, ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ 3.2 बिलियन लेटर्स और बेस पेयर्स। ठीक, यानी एक सेल में जितने भी जीन्स का सेट होता है उसको हम जीनोम कहते हैं, और ह्यूमन जीनोम जो है वो 3.2 बिलियन बेस पेयर्स या लेटर्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ सेट ऑफ टेक्निक यूज टू ट्रांसफर जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर। इंडिविजुअल जीन्स कैन बी कट ऑफ फ्रॉम द सेल्स ऑफ वन ऑर्गेनिज्म एंड इंसर्टेड इनटू द सेल्स ऑफ एन अदर। द जीन्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कैन बी कंबाइंड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू लिविंग सेल्स। दिस टेक्निक इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक है जिसमें हम एक इंडिविजुअल से सेल को कट ऑफ करते हैं और उसे किसी दूसरे इंडिविजुअल में इंसर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे डिजायर्ड जीन होती है और जो भी हमारा डिजायर्ड करेक्टर होता है वो हम एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ह्यूमन वेलफेयर। एनी ऑर्गेनिज्म विच रिसीव अ फॉरन जीन इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि कोई एक्सटर्नल जीन को लेता है उसे हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक काउ। तो डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, अगर आप डायग्राम में देखें तो क्या है कि डोनर ऑर्गेनिज्म सेल, यानी ये वो ऑर्गेनिज्म है जिससे हमने वो डिजायर्ड जीन लेनी है, तो इससे इसका डीएनए जो है, इससे क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी पहले उस डीएनए से वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ली जाती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उसको क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ जीन, यानी उस जीन को रिमूव कर लिया जाता है या कट ऑफ कर लिया जाता है। कन्वर्जन ऑफ जीन इंटू क्रोमोजोम और डीएनए, और फिर हम उस जीन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू क्रोमोसोम और डीएनए, एंड नेक्स्ट स्टेप इंसर्टेड इनटू द सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक, फिर हम उस जो हमारे पास डिजायर्ड जीन होती है उस डिजायर्ड जीन को हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर देते हैं, इससे हमें डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म मिल जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस को हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड क्रॉप वैरायटीज़ एंड एनिमल्स, फॉर एग्जांपल मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट, ज़्यादा पैदावार देने वाले इकसाम की तैयारी। सेकेंड, इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स के एडिबल पार्ट्स हैं, यानी खाए जाने वाले जो पार्ट्स हैं उनकी गजाई अफादियत में बेहतरी। थर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स कहते हैं वीड किलिंग केमिकल्स को, और पेस्टिसाइड्स यानी इंसेक्ट्स किलिंग केमिकल्स, यानी जो जड़ी बूटियों और इसके अलावा जो कीड़े मार अद्वियात के खिलाफ मदाफियत या उसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस। इंक्रीज इन द शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की देर तक जखीरा होने की सलाहियत में इजाफा। ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स इनटू नॉन लिग्यूम्स, नॉन लिग्यूम्स होते हैं जो गैर
फलीदार पौधे होते हैं जैसे कि वीट और राइस। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो नॉन लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि वीट और राइस में नाइट्रोजन फिक्स करने वाली जीन्स के ट्रांसफर और इम्प्रूवमेंट इन फ्रूट क्वालिटी यानी कि फलों की क्वालिटी को बेहतर बनाना। तो ये तमाम वो एग्जांपल्स हैं जो या उसकी सिग्निफिकेंस है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में प्ले करती है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड क्रॉप्स। वी कैन यूज द टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ हाई यील्ड क्रॉप्स ऑफ फ्रूट्स ट्रीज आर क्वाइट ससेप्टिबल टू डिजीज। इट इज़ क्वाइट डिजायरेबल टू इंड्यूस द डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स इन हाई यील्ड डिजीज प्लांट्स। जस्ट इसमें क्या होता है क्योंकि ये जो ज़्यादा पैदावार देने वाले प्लांट्स या ट्रीज होते हैं उनमें डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए उनमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग के जरिए इस तरह की जीन्स उसमें इंसर्ट की जाती हैं जो कि डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर देती हैं। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो प्लांट्स की वैराइटीज़ तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड एनिमल्स। इट इज डिजायरेबल टू प्रोड्यूस हाई मिल्क एंड मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स टू फीड द कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अ नॉर्मल ब्रीडिंग प्रोग्राम इन एनिमल इज क्वाइट लेंथी। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक कैन नॉट ओनली शॉर्टन द टाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल ब्रीड बट ऑल्सो कंट्रोल्स द डिजीज कॉज बाई क्रॉसिंग द क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स। इसमें क्या होता है कि जिस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज कर रही है तो इस तरह उनकी जो मिल्क और मीट की डिमांड्स हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं। तो इन उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए एनिमल्स की ऐसी वैराइटीज़ बनाई जा रही हैं जो कि एक तो कम टाइम लें, ठीक है, कम टाइम में वो प्रोड्यूस हो जाएँ और कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो प्रोडक्शन रेट है वो ज़्यादा हो। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो मदद से जो है एक तो ब्रीडिंग टाइम को कम किया जा रहा है और दूसरा जो है वो इस तरह से एनिमल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा पाई जाती है और वो डिजीज़ को कंट्रोल कर देते हैं। द क्लोनिंग और द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल हैज़ ऑलरेडी बीन कैरिड फॉर शीप। दिस टेक्निक कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स इन फ्यूचर। ठीक है, क्लोनिंग एक टेक्निक है जिसमें बिल्कुल उसी तरह की यानी वही प्रॉपर्टीज रखने वाला और सेम इंडिविजुअल जो है वो बनाया जाता है। तो जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है जेनेटिकली इंजीनियर शीप यानी जिसे डोली जो है ये बनाई गई है क्लोनिंग के थ्रू। तो इस तरह क्लोनिंग के थ्रू जो है वो ना सिर्फ हम अपने डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं बल्कि क्लोनिंग के थ्रू जो है वो हम फ्यूचर में बहुत सारे एनिमल ऑर्गन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स। फर्स्ट है वीड किलिंग एबिलिटी। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन को आप मार्क कर लें, अंडरलाइन कर लें इसको। हर्बिसाइड्स आर द केमिकल्स विच आर यूज टू कंट्रोल द वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग इन क्रॉप्स। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारे पास फसल होती है सिर्फ फसल के अलावा उनमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं तो उन जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए हम हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि समटाइम्स दीज हर्बिसाइड्स ऑल्सो अफेक्ट द क्रॉप बिसाइड्स किलिंग द वीड्स। वीक सोल्यूशन ऑफ साइनामाइड किल्स वीड बट इट इज ऑल्सो कॉज सम डैमेज टू टोबैको प्लांट्स। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी हर्बिसाइड यूज़ करते हैं तो वो असल प्लांट के अलावा जो वीड किलिंग जो प्लांट्स होते हैं जो जड़ी बूटियों के अलावा वो असल प्लांट को भी डैमेज कर देते हैं। जैसे कि अगर हम सोल्यूशन वीक सोल्यूशन ऑफ साइनामाइड यानी साइनामाइड का जो हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं तो वो ना सिर्फ वीड्स को किल करता है बल्कि इसके अलावा वो तंबाकू के पौधे को भी नुकसान पहुंचाता है। तो सच जीन्स आर ट्रांसफर्ड इन टोबैको प्लांट्स ड्यू टू विच प्लांट नॉट ओनली शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट हर्बिसाइड बट ऑल्सो गेट्स एडवांटेज इन देयर ग्रोथ। तो इस तरह से जीन्स टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस की गई हैं जो ना सिर्फ उन्हें हर्बिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती हैं बल्कि वो उनकी ग्रोथ में भी इफेक्टिव हैं, उनकी ग्रोथ में भी इजाफा कर रही हैं। नेक्स्ट है पेस्ट रेजिस्टेंस। पेस्ट रेजिस्टेंस वो होते हैं जो कि पेस्ट मीन्स जो इंसेक्ट्स
होते हैं जो कि प्लांट्स या क्रॉप्स वगैरह को खा लेते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है वो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो बीटी जीन कैन इंड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंस इन प्लांट्स। दिस जीन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन कॉटन एंड द क्रॉप्स हैज़ बिकम रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ द इंसेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि बीटी जीन जो है वो प्लांट्स में इंट्रोड्यूस की जाती है, जिसकी वजह से ऐसे क्रॉप्स जिनमें जो है वो इंसेक्ट्स उसको खा लेते हैं या इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, तो इस तरह के क्रॉप्स में हम बीटी जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो जो है उनमें इन पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती हैं और वो इन पेस्ट के अटैक से बच जाती हैं। इन 2002 to 2003 वीट सीजन द इंसेक्ट्स कॉल्ड एफिड्स डैमेज द वीट क्रॉप ऑन सम पार्ट्स ऑफ सिंध प्रोविंस। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स वर यूज टू कंट्रोल एफिड। द प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई प्रोड्यूसिंग एफिड रेजिस्टेंस वराइटीज विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। सिंध में जो है वो 2002 से 2003 में एफिड जो कि एक इंसेक्ट है, इसने जो है प्लांट्स वीट की क्रॉप्स को जो है बैडली डैमेज किया, तो इसको बचाने के लिए बहुत सारी स्प्रेस वगैरह यूज़ किए गए, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए, लेकिन उससे क्या हुआ कि उसने ना सिर्फ उन पेस्टिसाइड्स को किल किया बल्कि उसको जो क्रॉप्स थी उसको भी तबाह कर दिया, उसको भी डैमेज किया। तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इस तरह की जीन्स इंट्रोड्यूस की गई हैं जिससे एफिड के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंट वैरायटीज जो है वो बनाई गई हैं। कि आप फिगर 3.5 में देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट किया गया है टोमेटो प्लांट पे, जिसमें आप जो इसका एक जो डायग्राम है, एक डायग्राम में देख सकते हैं कि टोमेटो प्लांट जिसपे जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं अप्लाई की गई और उसमें जो है वो इन पेस्ट ने इस पे अटैक किया और वो पूरा प्लांट जो है उसको डैमेज कर दिया। सेकंड केस वो है जिसमें जेनेटिकली इंजीनियर टोमेटो प्लांट है, तो इसमें इस तरह की जीन्स इंट्रोड्यूस की गई हैं जो कि जो पेस्ट को जो है वो किल कर देती हैं और उसके अगेंस्ट जो है उनमें रेजिस्टेंस मौजूद है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड। क्लासिकल टेक्निक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग रिक्वायर सेवरल ईयर्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू हाई यील्ड क्रॉप्स। थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग अ शॉर्ट टाइम हाई यील्ड क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर हम क्लासिकल टेक्निक से जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स की जो नए एग्जाम प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए एक तो ज़्यादा टाइम चाहिए और दूसरा मनी भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसी वैरायटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे एक तो उनका टाइम पीरियड कम है, यानी टाइम कम टाइम में वो हम इस तरह की प्लांट वैराइटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरा उनकी जो प्रोडक्शन रेट है वो भी हाई है। नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। सो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? कंपाउंड्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ और किल बैक्टीरिया आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। यानी ऐसे कंपाउंड जो कि बैक्टीरिया को या तो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, मतलब उसको उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं या उसको कम्प्लीटली किल कर देते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये इसमें कुछ आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं, जिस तरह के पेनिसिलीन है, स्पेलोस्पोरिंस है, टेट्रासाइक्लिन्स है और एरिथ्रोमाइसिन्स है। हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं कि पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन आर मेड बाय फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम। पेनिसिलिन को हम एक फंगस पेनिसिलियम से लेते हैं। दीज अटैक अ फेयरली नैरो रेंज ऑफ बैक्टीरिया एंड आर देयरफॉर कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड हॉवर्ड फ्लोरी इन 1928। यानी पेनिसिलिन को फर्स्ट टाइम जो है वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और हॉवर्ड ने 1928 में डिस्कवर किया था। और ये पेनिसिलिन जो है ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया की कुछ ही इकसाम की जो है वो अगेंस्ट यूज़ होती है, ठीक है। यानी ये सिर्फ एक नैरो रेंज पे अटैक कर सकती हैं, इस वजह से हम इनको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेलोस्पोरिंस। दीज एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस मोनेलोस्पोरियम एंड वर डिस्कवर्ड इन 1948। दीज एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया विच हैव डिवेलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिसिलिन। ये एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हम फंगस मेनेलोस्पोरियम से लेते हैं जो कि 1948 में डिस्कवर हुई थी। और ये जो स्पेलोस्पोरिंस हैं ये हम उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं जो कि पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं। यानी जिन बैक्टीरिया पर पेनिसिलिन का असर जो है वो नहीं होता, तो उनके लिए हम फिर स्पेलोस्पोरिंस यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स आर मेड बाय द स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। दीज आर अफेक्टिव अगेंस्ट अ वराइटी ऑफ बैक्टीरिया, हेंस दे आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज। टेट्रासाइक्लिन्स को हम स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से लेते हैं और ये जो है वो बैक्टीरिया की एक लार्ज वेराइटीज के लिए यूज की जाती है, इसलिए हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन्स। दे वर्क अगेंस्ट द सेम टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच हैव डिवेलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिसिलिन। यानी ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं, हम उसके लिए भी एरिथ्रोमाइसिन्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स किस तरह से वर्क करती हैं। एंटीबायोटिक्स वर्क इन टू वेज। पेनिसिलिन प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम फॉर्मिंग सेल वॉल विच मेक्स बॉडीज इम्यूनिटी सिस्टम टू डिस्ट्रॉय। टेट्रासाइक्लिन्स ऑन द अदर हैंड डैमेज द प्रोटीन प्रोड्यूसिंग मशीनरी ऑफ बैक्टीरियम। दे प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम डिवाइडिंग एंड इनहिबिट्स देयर ग्रोथ। इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक्स जो है वो दो तरह से जो है वो एक्टिविटी अपनी शो करती हैं। एक तो या वो उस बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल कर देती हैं या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं। जैसे कि पेनिसिलिन जो है वो क्या करती हैं कि बैक्टीरिया के गिर्द जो सेल वॉल होती है उसको नहीं बनने देती, उसको बनने से रोक देती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन जो है वो उसकी की प्रोटीन प्रोड्यूसिंग मशीनरी है वो उसको डैमेज कर देती है और बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड नहीं हो सकेगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इससे क्या होगा कि वो डिजीज़ जो है वो आगे नहीं फैलेगी, वो डिजीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीन्स आर हार्मलेस फॉर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दैट स्टिमुलेट द इम्यूनिटी सिस्टम। द टर्म वैक्सीन इज डेराइव फ्रॉम वाका द लैटिन फॉर कर्व। ठीक है, वैक्सीन का वर्ड जो है वो वैका से लिया गया है जिसका मतलब है कर्व। और वैक्सीन्स क्या होती हैं, ये ऐसे हार्मलेस पैथोजेनिक फॉर्म है जिस जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई गई थी जो कि काउ पॉक्स से ली गई थी। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टाइम जो है वो एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया था और जो कि इंग्लिश फिजिशियन था। तो क्या हुआ था कि एडवर्ड जेनर ने अपने पेशेंट को उनको ऑब्जर्व किया और उसने ये देखा कि ऐसे पेशेंट्स जिनको काउ पॉक्स हो चुका है उनमें जो है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। यानी अगर उन पर स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ है तो वो उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं और उन पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता और वो ठीक हो जाते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए उसने मिल्क मेड के जो जख्म से फ्लूड लिया और उसको एक लड़के के जो है वो बाजू में इंजेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जब उसको बाद में स्मॉल पॉक्स का पे अटैक हुआ तो उसकी वो डिजीज़ जो है वो ठीक हो गई। तो यानी उस पर उसने उसको कोई भी उस पर हार्मफुल उसके इफेक्ट्स नहीं आए, उसको डेथ उसने कॉज नहीं की। ये तो इससे उसने डिस्कवर किया कि ऐसा शख्स जिसमें जिसको काउ पॉक्स है तो उस पर स्मॉल पॉक्स अटैक नहीं कर सकती। ठीक है, यानी उसमें क्या हुआ था, जो काउ पॉक्स था वो ऐसा वैक्सीन एक्ट कर रहा था। ठीक है, जिसने उसके अगेंस्ट जो है उसके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया था और उसने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उसको रेसिस्ट किया था। आज हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं आपने इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है और इसमें स्पेशली जो हमने डीएनए एज ए हेरिडिटरी मटीरियल और एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।